ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ର ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶର୍ମା ଓ ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ବୁର୍ଲାରୁ ଉଠାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ୍। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ପୁଲିସ୍ର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଫାଶୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଳାଇବା ଦାବିରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ରାଲି କରାଯାଉଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଟାଉନ୍ ଥାନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସୋମବାର ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 50 ଲକ୍ଷ ଓ ପରେ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ। देखिए हम पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं कहना वाले क्योंकि उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया है, मगर जो उन आदमियों ने किया है वो आदमी कहलाने के लायक भी नहीं है। और ये किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। आज ये समट के साथ हुआ है, कल ये किसी और के भी साथ हो सकता है। इन्हें कभी भी कोई हक नहीं बनता किसी एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर सके। तो इन लोगों को या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ले जाके फांसी दे दिया जाए या तो मैं कहती हूँ इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। ये जीने के लायक नहीं है। जान लेने का अधिकार तो जो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है ना उसको भी नहीं है। वो दरिंदे ने ऐसे कैसे कर दिया? झसरा पुलिस को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ऐसी दहशत उनके ऊपर बिठानी पड़ेगी कि कोई ऐसा करने का सोचे भी नहीं। हजार बार तो छोड़िए, सोचे भी नहीं। फास्ट ट्रैक पे ये कोर्ट पे यारा केस ले जाकर उन लोगों का जल्द से जल्द फांसी का सजा, सिर्फ मात्र इतना ही हम लोगों का डिमांड है। फांसी होना चाहिए, एकदम फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए। नहीं, हमारा एकमात्र डिमांड है, हमारा सिर्फ मात्र एक ही मोटिव है, उनको फांसी का सजा हो और वो भी फास्ट ट्रैक पे लेकर हो। हमें निर्भया की तरह और आरुषि की तरह इतना इंतजार नहीं करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NFP।